मनु सर, विक्रम सर और मैम, मैं जितना दोस्त लाइफ करूँ ऐसे थैंक यू। और अपना थोड़ा से बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, ये अचीवमेंट करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। मैंने फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, उसका बाद ब्यूटिशियन में भी कोर्स किया। मैंने कोर्स करके आदमी के अंदर भी काम किया, खुद भी किया इसके बाद, और बॉन्सर में भी काम किया था मैंने। क्योंकि हमको अपना टाइम को लॉस करने मन नहीं था, क्योंकि हर एक टाइम को हमको अपना बिजी रखने मन था हमको, क्योंकि हमको हर एक टाइम को मतलब बहुत लॉस लगता था। मेरा टाइम बहुत कीमती है, मतलब टाइम को छोड़ने मन नहीं था, टाइम मेरा लिए बहुत कीमती था। क्योंकि मेरा लाइफ में इसके बाद कोर्स मर्जी से आपको बताया मेरा कोर्स के बारे में, कोर्स में भी मेरा बहुत स्ट्रगल हुआ, कोर्स में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था। भी मेरा भाई बहन से भी हम ये किया था बात करके, कोर्स कंटिन्यू किया। इसके बाद कोर्स खत्म होने के साथ में फिर से एवरेस्ट के सिलेक्शन भी नहीं हुआ था मेरा, वहाँ भी हम सर्जन डिस्क कोर्स कर रहा था और मैं नहीं होने का, फिर से हम रो गया था वहाँ पे, रो बहुत ज्यादा हुआ है, हम क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ बल्कि बहुत ज्यादा रोए, इतना मेहनत करने के बाद कैसे नहीं हुआ, और इतना रोए बहुत को प्रार्थना किया था मैंने। उसके बाद दो तीन दिन के बाद फिर से पता चला जो फिर से और एक स्कीम था वहाँ में, वो स्कीम में सिलेक्शन हो गया था। अपना लाइफ ही मान लो कि आपका माँ बाप सपोर्ट है, मेरा लाइफ में मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं, बिना सपोर्ट करके हम हर एक चीज को मतलब स्ट्रगल करती थी है मैंने। मतलब माँ बाप है कोई भी, मतलब गांव में ऐसा होता है ना, माँ बाप होके भी मतलब मेरा माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है थोड़ा, मतलब इतना नॉलेज भी नहीं, स्पोर्ट क्या होता है ये चीज भी, मतलब किसे बच्चों को आगे बढ़ाने वो चीज नॉलेज भी नहीं था। जब भी हम हर दोस्त लोग से पूछताछ करके अपना आप मतलब आगे बढ़े, तो आप जो अपने माँ बाप जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ऐसे सोचते हो कि आप अपना माँ बाप को प्रार्थना करो कि आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो माँ बाप आपको छोटा छोटा पढ़ाए, अपना खुद ये करके दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ाए लिखाए, तो मेहनत करना आपको काम है, तो माँ बाप आपको छोटा से बड़ा तक बड़ा तरीके है, तो अभी मेहनत करना शुरू कर दे। माँ बाप का कमाई को भुगते रहने से नहीं होगा, अपना हमेशा मेहनत करना सीखने, तो आप अपना मेहनत कर सकेगा तो करना सीखेगा, तो आप आदमी का दुख तकलीफ को भी मालूम होगा, आप माँ बाप का तकलीफ को भी मालूम होगा। माँ बाप इतना तकलीफ कर रहे तो आपको अपने खुद मेहनत नहीं करेगा तो आप माँ बाप का तकलीफ को भी मालूम नहीं होगा, माँ बाप कहाँ से कमा के कहाँ से आपको लेके वो कुछ मालूम नहीं होगा। इसलिए अपना आप मेहनत करके देखो तब पता चला है कि माँ बाप कैसे मेहनत करके आपको शाम सुबह खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, तो आप खुद मेहनत करके पता चलेगा। तो आप जो जो एवरेस्ट के लिए या कुछ कोर्स वगैरह जाना चाहते हैं तो आप हमसे पूछिए और कंटेक्ट कीजिए। उसके बाद जो क्रिकेट में भी आप जो खेलना चाहते हैं तो मुझे पूछताछ कर दे, कैसे कैसे कोर्सेस होते हैं पूछताछ कर सकते हैं, तो हम बताएगा मुझे, एनी टाइम रेडी है हम बताने के लिए। अभी वुमेन क्रिकेट टीम भी अभी मतलब ट्रायल भी होने जा रहा है, अभी अगस्त को ट्रायल होगा, जो खेलना चाहते हैं तो हमको पूछताछ कर सकते हैं कैसे कैसे कोर्सेस होगा, हम बताएगा। अभी माउंटेनियर कोर्स भी अभी निवास में गवर्नमेंट के थ्रू से प्री कोर्स करते हैं, फिर भी आना जाना कुछ करना पड़ेगा, वहाँ भी अभी कोर्स अगस्त से शुरू होगा, जून जुलाई से शुरू होगा, अभी जो मतलब करना चाहते हैं हमको पूछताछ कर सकते हैं कैसे कैसे कोर्स होते हैं, हम बताएंगे आपको। थैंक यू। तो मैं मुझे आपका अरुणाचल एक्सप्रेस से बहुत सारा स्वागत है और आपको बहुत सारा धन्यवाद। और आप मिशन कम्युनिटी के पहले हैं और इसके बाद से अरुणाचल के पांचवें औरत हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसके आगे चढ़ाई की है, तो आपको कैसा लग रहा है टाइटल पाकर? अपना खुद निश्चित कम्युनिटी से बोलने से हम फर्स्ट है तो अपना खुद प्राउड फील कर रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश का पांचवे है तो कैसा लग रहा है, इतने बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ आपका नाम भी जुड़ गया था, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इसके बाद से आपका जर्नी बता दीजिए, हमारे दर्शकों को कैसा रहा? जर्नी मेरा वो होता 23 से शुरू होता काठमांडू में, काठमांडू से फिर से मेरा 29 मार्च को शुरू हुआ था, वहाँ में मेरा ट्रैकिंग शुरू होता 16 डे ट्रैकिंग करने के बाद आइलैंड पिक गया, आइलैंड पिक में सबमिट करने के बाद फिर से हम एवरेस्ट के लिए चला गया था, एवरेस्ट बेस कैंप में, एवरेस्ट बेस कैंप में वहाँ में बैठ के ट्रेनिंग वगैरह किया, रनिंग क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह किया, उसके बाद वहाँ में 21 किलोमीटर 12 किलोमीटर हर दिन हम लोग का ट्रैकिंग वगैरह कराया था वहाँ पे। उसके बाद से आपका फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसा? मेरा फ्रेंड्स
लोग बहुत सपोर्टर है इसका, बहुत मोटिवेशन करते हैं इसका बाद मेरा फैमिली लोग भी पूरा मोटिवेशन ही करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, पापा नहीं है पर भी मम्मी जो साथ देते हैं सपोर्ट करते हैं। इसके बाद से आप जिस यूनिवर्सिटी में आप या अपने डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनका कैसा लगता है? यूनिवर्सिटी को मैं यहाँ का डायरेक्टर लोग को थैंक यू कहना चाहूँगी मैम इसके बाद, और जितना यहाँ में टीचर लोग हैं सबको हम अपने दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि वो लोग मेरा फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर का फीस को वो लोग जो नहीं ले दिया उसका बाद, और यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी मुझे यहाँ से दिया गया, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू दिल से हम थैंक यू कहना चाहूँगी उनको। और इसके बाद से जो हमारे आजकल के जमाने में यंगस्टर्स हैं और कुछ बूढ़े भी रहते हैं, लाइक बूढ़े इन सेंस मतलब जो मिडिल एज वाले रहते हैं जो माउंटेनियरिंग को ऐसा प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उन को मतलब जो लोग करना चाहता है तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा बात है, बहुत क्योंकि हम लोग का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लोग बहुत कम, नॉर्थ ईस्ट बोलेगा नॉर्थ ईस्ट भी है फिर इसके बाद और अरुणाचल बोलेगा तो हम लोग का यहाँ में बहुत कम है, तो जो करना चाहता है तो करेगा तो और भी अच्छा बात है, तो उसको हम सपोर्ट हमेशा साथ में मतलब सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल तो नहीं कर सकेगा पर भी हम हमेशा साथ देंगे फिजिकल। हाँ जो ज्वाइन करना चाहेंगे हाँ उसको भी हम मतलब प्रोसेस कैसे कैसे होता है बताएंगे, वो हमें अभी शायद फॉर्म फिलअप अभी शायद जून जुलाई से शायद फॉर्म फिलअप होगा, वो हमें फॉर्म फिलअप करके जो ट्रायल लेने यहाँ से जितना ट्रायल लेना चाहते हैं तो और चालुक से कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मुझे मांग सकते हैं, तो हम प्रोसेस कैसे कैसे होता है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसको हम बताएंगे।